ये हमने अपना हॉस्पिटल सिस्टम कनेक्ट करने के लिए हमने एक मॉडल बनाया है, और इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो हॉस्पिटल की टैंकी है, ये हॉस्पिटल की टैंकी हमारे पास, ये जो ओवर हेड टैंकी है हमारे पास, बड़ी टैंकी है। हाँ, जब हमारे पास इसमें मतलब लेवल कम होगा, पानी इसमें नहीं होगी, तो हम इसको मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करेंगे। मोबाइल में हमें मैसेज आएगा, मोबाइल में मैसेज आएगा कि पानी इसमें कम है, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिकली जब 10% से पानी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सैलिनाइट वाल्व भी ऑन होगा, और इसमें मोटर लगा है वो भी ऑन हो जाएगा, सही है। ये इस तरह है कि ये जो टैंकी है और इस टैंकी उस टैंकी दरमियान तकरीबन 500 मीटर का फासला है, तो इन दोनों को हमने कोडिंग इस तरह कोडिंग की कि इसको हमने कनेक्ट किया है। जब जैसे हमारे पास सैलिनाइट वाल्व ऑन होगा, तो उधर से पानी आएगा। अच्छा, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लगाई? वो ये हमने इसमें एक ईएसपी सिस्टम लगाया, इसकी दो ईएसपी मॉडल है, इसको हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये इसका हमने क्या नाम है पीसीबी डिज़ाइन किया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर, ये हमने इसकी पिक्चर लगाएंगे, सही। ये जब किट है, ये हम उधर जब हॉस्टल में लगा लेते हैं, हॉस्टल में ये आप ये पिक्चर दिखाएं, इधर हमने ये लगाई हुई है, तो ये टेंकी पे बिल्कुल ज़बरदस्त काम है। ये मुकम्मल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली वाल भी बंद हो जाएगा और मोटर भी बंद हो जाएगा। इसको हम चला के देख सकते हैं। ये मसला ये तो फोन मेरा।